हे हॉलिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल हाउ टू प्लान्ट एशियटिक लिली बल्ब तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी होता है इन बल्ब्स को लगाना तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कुछ एशियटिक लिली के बल्बस की ये देख सकते हो आप कितना हेल्दी सा ये बल्ब है उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पॉटिंग मिक्सर की इसके बाद मैंने ये सिक्स इंचेस का पॉट लिया हुआ है आपके पास जो भी ओवर पॉट हो आप ले सकते हो और उसके बाद आपको इसके अंदर ऐसे अगर आपके पास टेराकोटा के कुछ टूटे पॉट्स के आ, पीसेस पड़े हों वो आप अंदर रख दीजिए और इसके बाद मैंने लिया है टेन परसेंट ये नीम खली का और फिर मैंने टेन परसेंट लिया है रिवर सैंड और टेन परसेंट मैंने डी गोबर की खाद और बोन मील लिया हुआ है और 70 परसेंट मैंने ये गार्डन स्वाइल ली है अब हमें इस पॉटिंग मिक्सर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आप देख सकते हो मैंने इसमें स्पॉट में हाफ पॉटिंग मिक्सर भर भी दिया है और इसके बाद आपको जस्ट जो आ, बल्ब होगा उसको मिड में रखना होगा अपने पॉट के मैं आपको रख के दिखा देती हूँ ये आप देख सकते हो अभी ये मिड में नहीं थोड़ा सा और मुझे इसको बीच में रखना है ये देखिए ऐसे आप मिड में जस्ट इसको रख दीजिए फिर आपका जो ये पॉटिंग मिक्सर है उसको आपको अच्छे से किनारे किनारे से डाल देना है ये देख सकते हो आप मैं आपको दिखा रही हूँ आप ऐसे करके पूरा जो भी अपना बल्ब है उसको कवर कर दीजिएगा बस जो ऊपर का इसका न्यू शूट जो दिख रही है उसे आपको छोड़ देना है ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा ऐसे चला भी लीजिए भरने के बाद ताकि इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स वगैरह ना रह जाए और फ्रेंड्स आपको बल्ब को प्रेस नहीं करना आप किनारे से आप प्रेस कर सकते हो जो भी आपका पॉटिंग मिक्सर है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स ना रह जाए ऐसे आप प्रेस कर दीजिए और जब ये आप प्रेस कर दोगे अच्छे से ये आपकी जो भी पॉटिंग मिक्सर है वो बैठ जाए देन आपको इसमें पानी डाल देना है इसको चेक करके भी देख लेते हैं ये देखिए ये अच्छे से बल्ब बैठ गया है अब पहली बार जब आप पानी डालोगे तो अच्छे से आपको पानी डालना है मैं डाल के दिखा देती हूँ ताकि पानी जो है वो नीचे तक आपकी सोइल में पहुँच जाए जो भी आपने पॉटिंग मिक्सर बनाया है वो बहुत ही अच्छे से उसमें वाटर जो हो वो एब्जॉर्ब कर ले जाए उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप पानी आ, जब अपना आप पॉट का सोइल चेक कर तभी डालिएगा ये आप देख सकते हो मैंने इसमें पानी डाल दिया और फ्रेंड्स आपको ये भी चेक करना है कि वाटर किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करना चाहिए स्पेशली आप को मैं दिखा देती हूँ आप ये देखिए uh, मेरे इस पॉट में आपको कहीं पे भी uh, किनारे भी इवन पानी स्टैंड होता नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हो आप क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए बोली हूँ कि वाटर स्टैंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप के पॉट में वाटर स्टैंड किया तो आपका जो बल्ब होगा वो रॉट हो जाएगा तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा इसीलिए फ्रेंड्स मैंने पॉटिंग मिक्सर में सैंड uh, को मिलाया है ताकि ये जो पॉटिंग uh, मिक्सर हो वो थोड़ा सा वेल well ड्रेन बने उसके बाद फ्रेंड्स मैं ऐसे ही नेक्स्ट बल्ब जो हैं मेरे पास वो भी आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने ये सारे बल्ब जो मेरे पास चार थे उनको लगा लिया है ये देखिए तो फ्रेंड्स बहुत ही ईज़ली आप इस एशियटिक लिली के बल्ब को लगा सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है और अगर आप इसको बल्ब के थ्रू लगाते हो तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि अगर आप इस्टेब्लिश प्लांट जब आप ख़रीदते हो आ, इसके फ्लारिंग सीज़न में तो वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं तो बेहतर है कि आप इसको बल्ब से लगा दीजिए बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप अभी जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच